Redmi Note 13 Pro। तो गाइस आज मैं फाइनली 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 आपके लिए लेके आ चुका हूँ Redmi Note 13 Pro का कैमरा टेस्ट। हीरो इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि Redmi Note 13 Pro का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहे हो राधे में इट्स। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Redmi Note 13 Pro और गाइज यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 200 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइज बात करते हैं इसी फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइज जैसे इस फ़ोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 10x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 10x जूम करके बड़े आराम से फोटोज़ वगैरह जो क्लिक कर सकते हो। और गाइज 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी कैमरे से 1080p 60fps पे जो वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो जो वीडियो देखकर मैंने इसी Redmi Note 13 Pro के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ और वीडियो जो शूट हो रहा है फ्रंट कैमरे से वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि इस फ़ोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो और वीडियो स्टेबिलाइजेशन आपको फ्रंट कैमरे से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको Redmi Note 13 Pro का सेल्फी के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी Redmi Note 13 Pro के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो आप भी स्पेशली कैमरे के लिए ही स्मार्टफोन को जो बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैमरा क्वालिटी फिलहाल बहुत ही बेहतर आ रही है। तो इफ यू गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।